एनर्जी, टॉपिक चलेगा पोटेंशियल एनर्जी। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास चलेगी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जाएगा, कंज्यूम होगा हमारा, वो इस पोटेंशियल एनर्जी के मिसकंसेप्शन को हटाने में भी जाएगा, कि एक गलत फहमी के जो हम शिकार हो चुके हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्वेल्थ में भी जाएगा, तभी मुझे ट्वेल्थ में भी पढ़ाना पड़ा। तो मैंने जो वीडियो भेजी थी उसकी हेडिंग थी यूजफुल फॉर 11th एंड 12th बोथ। पोटेंशियल एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली दो साल तक। तो इसलिए इस टॉपिक को कमांडिंग करिए, मजबूत करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करिए। एक्चुअली चलिए शुरू करते हैं। मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी, ईमानदारी से बताना, मेरे पोटेंशियल एनर्जी बोलते ही आप MGH बोलते या नहीं बोलते, यदि वो वीडियो नहीं देखी होती तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ तो आप MGH ही बोलते। अब झूठ बोलते वो बात अलग है, लेकिन यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखने को बोलूं तो आप MGH ही बोलते। बेटा पोटेंशियल एनर्जी बताओ MGH, पोटेंशियल एनर्जी बताओ MGH। कमी आपकी नहीं है, वो 9th से सेट हो चुका है दिमाग में, है ना, 9th से सेट हो चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी MGH। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हम नूडल्स नहीं बोलते, हम मैगी बोलते हैं, है ना। नूडल्स नहीं बोलते कि भैया मैगी देना, नूडल्स को नाम ही खत्म हो चुका है। अब नूडल्स मतलब मैगी, मैगी मतलब उस ब्रांड को ही, जैसे चल बेटा उठ के कॉलगेट कर ले, चाहे वो कॉलगेट ही ना हो, चाहे वो पेप्सोडेंट हो, तब भी कहेंगे चलो उठ के कॉलगेट कर ले, ओ वो तो अपनी हीरो होंडा पे दौड़ रहो, चाहे वो किसी भी गाड़ी पे दौड़ रहा हो। कुछ लोग हीरो होंडा का कमेंट मार रहे हैं तो मार रहे हैं होपफुली। तो चलिए, हमारे दिमाग में 9th में बसा दिया गया कि पोटेंशियल एनर्जी MGH होती है। चलिए आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो हर सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MGH भी देखोगे, वक्त आने पर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर भी देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा भी देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सीवी स्क्वायर भी देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये तीन तो वो फॉर्मूले जो आप 11th में देखोगे, और अभी तो 12th में भी झड़ी लगेगी, 12th में भी झड़ी लगेगी। ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं एरिया का फॉर्मूला बताओ, एरिया का, तो क्या आप एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी ही बताओगे? एरिया के तो बहुत सारे फॉर्मूले सर, किस सिचुएशन का। मैं पूछू वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ तो क्या आप एल बी एच ही बताओगे? यार वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड में कुछ हो जाएगा, क्यूब में कुछ और हो जाएगा, स्फीयर में कुछ, सिलेंडर में कुछ, है ना। तो आइए पोटेंशियल, पहले आज पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। शॉर्ट में पीई लिखेंगे, इसका सिंबल यू इस्तेमाल करते हैं हम, पीई या यू, ठीक है। तो आइए पहले पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये है क्या चीज, ये पूरे ब्रह्मांड में एक, जैसे एक मिनट, जैसे हीट एनर्जी होती है, आप फील कर लेते हो टेम्परेचर से कि यार इसमें हीट एनर्जी है। ज्यादा हीट एनर्जी होगी तो आपकी स्किन ही महसूस करा देगी। होली पे जब होली जलती है ना, तो आप दूर से ही, पास भी नहीं जा पाते, इतनी हीट एनर्जी होती है। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। यदि मैं इस चौक को फेंक दूं तो इसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। आप करंट प्लग में हाथ डाल दो, करंट लग जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो। तो ये सब तो आप समझ गए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक इकलौती ऐसी एनर्जी है ब्रह्मांड में जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है। स्टोर, स्टोर, इसका उल्टा भी ट्रू है। जो जो एनर्जी स्टोर रूप में भरी पड़ी है, बस फटने की बारी है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी बस फटने की बारी है। तो जब तक ज्वालामुखी के अंदर एनर्जी भरी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो फट गई तो वो किसी और रूप में निकल आएगी। समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलती है ना, लावा उगलती हो। तो जितनी भी ब्रह्मांड में एनर्जी जो भरी पड़ी है, बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा फटने का, उन्हें मौका मिल जाए बस फटने का। तो जब तक वो फटी नहीं है लेकिन एनर्जी है, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। आइए कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। अच्छा एक और चीज, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो मैं आज पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगा, चाहे फलाना ढिकाना, एनर्जी वर्ड यदि जिसमें लग गया है, उन सबके अंदर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। उनमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है तभी हम उनको एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, एक बात बताइए, एक हथौड़ा यूं रख दूं कील में तो नहीं ठोक पाएगा, लेकिन जब भगा भगा आता है दम, उसमें एनर्जी होती है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। कील में लगते है, अंदर घुसा दी कील, है ना, काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी, पता ना एनर्जी क्यों बोलते हैं इसको, पता ना इंजन में पेट्रोल बस्ट होता है, बस्ट होता है कि नहीं, वो पिस्टन को चला देता है। जितनी भी एनर्जी वर्ड, जिसमें एनर्जी वर्ड जुड़ गया, उसमें ये बात बोलने की दोबारा जरूरत नहीं होनी चाहिए, जिसमें भी एनर्जी वर्ड जुड़ गया उसे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सब में अपने अपने अंदाज की तरीके से, जैसे एक प्रधानमंत्री होता है ना, कई सारे डिपार्टमेंट संभाल ले रहे, कि तुम्हें फाइनेंस संभालना है, तुम्हें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री संभालनी है, तुम्हें ये बनाना, तो ऐसे ही है ना। तो ये डिपार्टमेंट बटे हुए, आज हम इस डिपार्टमेंट की बात करेंगे।
आज इस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। और सुनिए, मोशन की वजह से एनर्जी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी, हीट की वजह से आ जाए हीट एनर्जी, कभी कभी सिस्टम में केवल खिसकाने से ही एनर्जी आ जाती है। सिस्टम को ऐसे की बजाय ऐसे रख दो या ऊपर रख दो, दाएं रख दो, खिसका दो, केवल खिसकाने से ही एनर्जी, उसकी पोजीशन चेंज करने से एनर्जी आ जाती है। कभी कभी केवल पोजीशन, या उसको हम कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं, तो कभी कभी सिस्टम में पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती एनर्जी आ जाती है। तो यदि केवल बताता हूं बेटा सारी चीजें, और अभी आप जब तक मेरा ये लेक्चर खत्म नहीं हो जाए आज मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं कोई क्वेश्चन फेंक के नहीं मारेगा। हाँ, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कागज पे लिख लीजिएगा, उसके बाद पूछेगा, क्योंकि फिर बाद में भूल जाओगे, मन में क्वेश्चन आया होगा, मेरा रिदम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी है, मेरे संग एक चीज और है ना, भूला, देख भूल गया ना मैं कि मेरा क्या रिदम चल रहा था। हाँ, तो चले कोई नहीं, कहीं और से रिदम उठा लेता हूं। तो इस ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी एनर्जी है जो स्टोर्ड फॉर्म में है, आइए सीखते हैं, जो भरी पड़ी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है तो सही, लेकिन आप उसे करने नहीं दे रहे, है ना, प्रतिभा है पर आप उसे साधन नहीं दे रहे कोई, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूं, एग्जाम्पल के रूप में मान लो, हाँ मैं एक्चुअली ये बता रहा था कि कभी कभी ये तो मोशन की वजह से होती है, ये टेम्परेचर की वजह से होती है, कभी कभी एनर्जी सिर्फ पोजिशन खिसकाने से हो जाती है ना, कमाल की बात, केवल उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से हो जाती है। बंदा मोशन में नहीं आता, बंदे का टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, लेकिन फिर भी एनर्जी हो जाती है। चलिए देखते हैं, एक ब्लॉक है जो जमीन पे रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना, आप इसका एनर्जी लेवल सोचिएगा। अब इसी ब्लॉक को मैं यदि ऊपर उठा दूं, ठीक है, इसी ब्लॉक को ऊपर, अब बताइए ना, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, मैंने नहीं बढ़ाया टेम्परेचर, मैंने बोला ही नहीं वही टेम्परेचर, ना मैंने इसको मोशन दिया है, ऊपर जाकर रोक लिया है, जबकि तो ना तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना इसमें हीट एनर्जी है, लेकिन फिर भी इसमें एक एडिशनल एनर्जी जनरेट होगी केवल ऊपर खिसकाते, ये और ये लेवल बढ़ चुका है, ये इससे ऊपर लेवल हो चुका है इसका एनर्जी के मामले में, क्यों, क्योंकि इसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, ये भरा पड़ा, आपको ना पकड़ना पड़ेगा इसे, ये भरा, अच्छा जो चीज भरा पड़ा होता है, जैसे कोई आदमी दारू पी ले भरा पड़ा होता है तो उसे रोकना पड़ता है, आज सारा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, है नहीं, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, भर जाते हैं दारू पी के, तो वही चीज आपको इसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने इसे नहीं पकड़ा तो ये भगने लगेगा, यदि आपने इसे नहीं पकड़ा छोड़ दिया तो ये भगने लगेगा, और यदि आपके हाथ छोड़ने के बाद वहां से कोई सिस्टम भगने लगे, इसका मतलब उसमें एनर्जी है। एक बात बताओ, डेड बॉडी है वो नहीं चल पाती क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन जिसमें इतनी सी भी एनर्जी होगी वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो भगेगा, बताना, ये एविडेंस है इस बात का कि मेरे हाथ छोड़ दी सिस्टम भग रहा है, इसका मतलब इसमें एनर्जी है तो भग रहा है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। और फिल्टर करता हूं अभी, ठीक है वर्क जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वर्क की एक प्रिसाइज डेफिनेशन है, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, बताना, जैसे मैं हाथ छोड़ूंगा तो यहाँ फोर्स है या नहीं, मैंने नहीं लगाई, मैंने तो हाथ छोड़ दिया, मैंने तो तलाक ले लिया, हाथ छोड़ के ब्रेकअप कर लिया, तो भी इसमें एक फोर्स लगेगी mg जो इसको खिसकाएगी, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है तो वर्क क्यों नहीं होगा, तो इसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, जिसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है उसमें एनर्जी है। अब बताइए इसको यदि हाथ छोड़ दूं तो मैं कुछ नहीं होगा, यहीं पड़ा रहेगा, बस फोर्स लग रही है पर खिसक नहीं पाएगा, नो डाउट एमजी लग तो रही है नीचे लेकिन खिसका नहीं पा रही उसको, बताना मैं यहां से हाथ छोड़ू और यहां से हाथ छोड़ू, भगेगा तो ये ना, तो अब बताइए इन दोनों का एनर्जी लेवल एक साथ तो नहीं हुआ ना, ये एनर्जेटिक हो चुका, मात्र ऊपर उठाती एनर्जेटिक हो गया, मात्र पोजीशन चेंज करती है ना, कमाल की एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी जब तक आप इसे पकड़े रखोगे, भरा पड़ा है ना, पकड़ रखी आपने, जब तक वो एनर्जी स्टोर है, स्टोर मतलब, स्टोर का क्या मतलब होता है ये वर्ड भी समझिए, स्टोर वर्ड का, हम जब पापा पैसे कमाते हैं ना, कुछ खर्च होते हैं कुछ स्टोर करते हैं ताकि बाद में यूज कर सके वक्त आने पर, घर में जैसे दीदी की शादी होगी तो उसमें आपके पास स्टोर होगा तभी तो खर्च कर लोगे, पता ना डैम में पानी स्टोर कर लेते हैं फिर एकदम से छोड़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी में जाता है टरबाइन को घुमाता है, ये एनर्जी स्टोर है, स्टोर का मतलब यहां भी वही है ताकि हम बाद में अपने मतलब के लिए यूज कर सके, बताना क्या हीट एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे गर्मियों में धूप में कनस्तर में भर लूं, बोरे में भर लूं धूप को, बोरा खोल खोल के, सर्दियों में खोल लूं बोरा, ओ वाह कितनी गर्मी निकल रही है लू लग गई मुझे, तो ऐसा हो सकता है हीट एनर्जी कनस्तर में भर सकता हूं मैं, नहीं भर सकता, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है, नहीं, गोली बंदूक से चल गई खाएं, अब काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो रही है, फ्यूचर के लिए नहीं स्टोर होगी, वो दुनिया की कोई एनर्जी नहीं स्टोर होती, सिर्फ यही डिपार्टमेंट ऐसा है जो स्टोर हो जाती है, इसका रिवर्स भी समझना, हर वो एनर्जी जो आपको स्टोर फॉर्म में लगे
आपको लगे ये तो मैंने स्टोर कर ली, हर वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अभी मैं धीमे, पहला दिन है तो थोड़ा टाइम लूंगा मैं, क्योंकि दिल तोड़ दिया आपने कि वो वीडियो समझ में नहीं आई। तो ये वाला ब्लॉक जैसे ही मैंने ऊपर उठाया, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब इस एनर्जी का क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, क्योंकि अब इसका पोटेंशियल लेवल बढ़ चुका है, पोटेंशियल माने दम। तो हमने इसका नाम रख दिया पोटेंशियल एनर्जी। हम बोलेंगे यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और यहां बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है। मैंने अभी फॉर्मूला नहीं ओपन किया, वो बाद में बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे मांगा जाता है। हालांकि एक ही तरीका है, दुनिया की कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला दे दे, सारी एनर्जी भीख मांगती है, कहती है फॉर्मूला दे दे, तो ये भी भीख ही मांगेगी। ठीक है, हाँ चलिए प्रियव्रत, थैंक यू बेटा, आपको आई समझ में, लेकिन कुछ को नहीं आई उनके लिए कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। नो डाउट बेटा, उनकी एक बात जायज तो थी, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच तो था बीच में। हाँ तो बताइए, ये बात समझ में आ गई कि अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसमें कुछ स्टोरी नहीं है। हाथ हटाया, बीड़ी जल चुकी है पूरी तरीके से, ये पूरी दहक रही है, छोड़ो मुझे, फड़क रही है, छोड़ो मुझे। अब दूसरी चीज मैं एक और दिखाता हूं, स्प्रिंग वाला एग्जांपल, वही सीक्वेंस में चल रहा हूं। यदि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड मैंने दीवार से रिजिडली क्लैंप कर दिया, रिजिडली, और एक एंड, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, ठीक है, चुपचाप पड़ा हुआ है, ना मैंने स्प्रिंग खींची ना दबाई। लेकिन जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को दबा दूंगा, सपोज करो दबा दिया, दबाने के बाद ये कॉइल्स पास आ जाएंगी ना, मैंने इसको दबा दिया, अपने आप नहीं दबेगी, नो डाउट, ये ब्लॉक भी ऊपर अपने आप नहीं गया, आपने इसे दबा दिया। अब आप बताइए, दबा के रोक लिया है, जैसे इसको ऊपर उठा के रोक लिया, इसको दबा के रोक लिया, ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है, ना मैंने इसे मोशन दिया है, अब तो रेस्ट पर ही है, लेकिन क्या दोनों का एनर्जी लेवल एक सा है क्या एक समय? ये भरा पड़ा है कि नहीं, बोलो, ज्वालामुखी की तरह कभी भी फट सकता है, बस आप हाथ छोड़ो फट जाएगा, भग जाएगा। आप बताइए क्या ये दोनों एक जैसे एनर्जी लेवल पे है? नहीं, बताइए इन दोनों में से ऊपर और नीचे, फर्स्ट या टू, किसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग स्टोर है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क स्टोर है, किसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क अच्छे से स्टोर हो चुकी है? इसमें स्टोर हो चुकी है। स्टोर क्यों बोल रहा हूं, स्टोर कब होता है, जब आपकी इच्छा हो तब यूज कर लो, आपकी जब इच्छा हो आप हाथ छोड़ देना, फर्र से भगेगी। एक और तरीका बताता हूं, जैसे ये ब्लॉक है, इसके बगल में रख दूं और एक ब्लॉक यहां रख दूं, बताना क्या ये वाले ब्लॉक से यदि मैं हाथ हटाऊं, हाथ हटा लिया, छोड़ दिया, इसका ज्वालामुखी फट जाने दिए मैंने, तो जब ये भगेगा तो इसको टक्कर मार के इसको घिसका सकता है या नहीं, बताओ? इसको जब भगा भगा आएगा, टक्कर मार के घिसका देगा कि नहीं? घिसका देगा, साबित कर रहा है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है इसमें, इसका मतलब इसमें एनर्जी है। ये सूंघता रहेगा, ऐसे कुछ करेगा ही नहीं, सूंघता ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसमें नहीं है एनर्जी। तो अब इस एनर्जी का क्या नाम दें बताओ? इसको नाम दे देता हूं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन गलत नहीं होगा, मोशन में है ही नहीं, केमिकल एनर्जी दे दूं, बदतमीजी नहीं है, हीट एनर्जी दे दूं, करंट वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दूं, क्या नाम दूं इसे? तो यदि किसी सिस्टम में पोटेंशियल बढ़ जाए, उसका पोटेंशियल बढ़ से तो थोड़ा जानते होगे ना यार, उसका पोटेंशियल बढ़िया, जैसे नीरज चोपड़ा का पोटेंशियल था भाला फेंकने का, तो इसमें पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो हम बोलेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है, उस कुछ का फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, कुछ तो है या यूं कहिए जीरो तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा कि पोटेंशियल एनर्जी, अब आपने एनजीएच इसके लिए सीखा है, सच बताऊं आपने इस सिचुएशन, जैसे एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी, आपको पता होना चाहिए कि आपने वो रेक्टेंगल के लिए सीखा है। अब हालात बदल गए, जज्बात बदल चुके हैं, यहाँ पे आप एमजीएस नहीं ठूसोगे, यहाँ पे फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेट एंड वॉच, पहले पोटेंशियल एनर्जी समझिए। नेक्स्ट एक और दिखाता हूं, उसी सीक्वेंस उसी वीडियो का ही, कि ये एक धनुष है, ये तार है उसकी, ये एरो है, ये एरो बस रखा हुआ है यहाँ पे, रखा हुआ है, कोई एनर्जी नहीं है इसमें यार, कुछ नहीं है। लेकिन यदि मैं इसी धनुष को, इसके एरो को खींच के रोक लूं, ध्यान रखना रोक लूं, रोका हुआ है, अब इसका हीट तो नहीं बढ़ा है ना, हीट एनर्जी तो नहीं बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं दी है मैंने अभी, है तो रेस्ट पर ही, मतलब खींच के अंगूठे से रोक रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, लेकिन क्या इसमें एनर्जी नहीं है? एनर्जी भर गई इसमें, भर गई, चार्ज कर दिया आपने इसे, आ गई एनर्जी इसमें, तो कौन सी एनर्जी देंगे? अब ये स्टोर है, शिकारी धनुष ले लेता है ना, जब शिकार आएगा तब छोड़ देगा, जब शिकार आएगा तब छोड़ देगा, तब यूज कर लेगा जब जरूरत पड़ेगी। तो हम बोलेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी शून्य है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी शून्य तो नहीं है, जीरो तो नहीं है। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कि पोटेंशियल एनर्जी
वो एनर्जी जो स्टोर हो जाए, भरी बड़ी हो, बस ज्वालामुखी फटने की दे दी हो, और बड़ा पोटेंशियल एनर्जी को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है पोटेंशियल। यदि आप सिस्टम पे से एक्सटर्नल फोर्स हटाओ, आप बेटा एक्सटर्नली हटा सकते हो, आप इसमें से एमजी तो नहीं सकते ना, आपकी औकात मेरी औकात नहीं है एमजी हटाने की, हम बस वो फोर्स हटा सकते हैं जो हमने लगा रखी है रोकने के लिए। यदि मेरे हाथ हटाने के बाद सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने लग जाए, कौन सी काइनेटिक, तो पक्का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। यदि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब कोई और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पहले से इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी थी, तो वो कोई और नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी ही है। पोटेंशियल एनर्जी की एक खास बात, वो हमेशा कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी ही बनती है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, काइनेटिक एनर्जी धोखा दे जाती है, काइनेटिक एनर्जी पलट के पोटेंशियल नहीं बनती हर बार। जैसे ये बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, बेकार गई, अलमारी खिसकाऊं मैं, पें की आवाज फ्रिक्शन में आएगी, चें की आवाज आएगी, वो वहीं की वहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, हाथ छोड़ के देखो, काइनेटिक एनर्जी धूम मचाले बनेगी, यहां जैसे मैं हाथ छोड़ दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी में ही भगेगा, यहां एरो से हाथ छोड़ दूं काइनेटिक एनर्जी में ही तब्दील होगा। जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहां पे फॉर्मूला आप एमजीएस थोड़ी नहीं ठूसोगे, नहीं। तीसरा चौथा और दिखाता हूं एग्जांपल, शायद मैंने को तो ये भी नहीं पता वीडियो में कौन से दिखाए थे। अब आता हूं, सपोज करो ये दो चार्ज है प्लस क्यू वन, और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है रेंज से बाहर, एक दूसरे की रेंज से बाहर। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है जो नापी ना जा सके, रेंज से बाहर का मतलब होता है जैसे मैंने सपोज करो अगरबत्ती यहां जला दी और खुशबू नीचे वाले कमरे में जाकर सूंघो, नहीं सुनाई देगी, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, रेंज से बाहर हो चुका हूं मैं। समझ में आ गया, रेंज से बाहर का मतलब कि मैं अगरबत्ती, एक मिनट एक बात बताओ, ऑल आउट आप अपने घर पे जलाओ, मच्छर मेरे घर के भग जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता। तुम बताइए, आपने अपने घर पे ऑल आउट ऑन करी, मेरे घर के मच्छर नहीं भग रहे, तो इसका मतलब मैं आपके ऑल आउट से इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर हूं, रेंज से बाहर हूं। तो अब बताइए, जैसे दो मैग्नेट है, आपने देखा है सामने, इसको एक काम करते हैं, पहले मैग्नेट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, ये भी दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब बताना, दो मैग्नेट है, एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी या खींच रही होंगी, एक तरफ साउथ और नॉर्थ कर देता हूं, ठीक है, यूं रखूंगा खच खींच लेंगी, थोड़ा दूर रखूंगा फिर खच खींच सकती है, थोड़ा और दूर रखूंगा तो आप फील करोगे ना वीक होगी फोर्स, फिर इतनी ताकत से नहीं खींच पाएंगी, फिर थोड़ा और दूर रखूंगा तो ये बंदर घुड़की सी देगी, खींच रहा हूं नहीं आ रही, मैं खींच रहा हूं हाँ खींच ले मैं नहीं आ रही, मना करती रहेगी, बस हल्का सा आएगी नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर रखोगे एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, फिर इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब ये मैग्नेट, इस मैग्नेट पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रही, हाँ वाईफाई की भी एक रेंज होती है, अब आज ब्लूटूथ की एक रेंज होती है। अब अगला फिगर देखिएगा, यदि मैं अपने एफर्ट डाल के इनको पास ले आऊं और पकड़ लूं, बताइए मेरे हाथ छोड़ने की देर है क्या होगा, एक दूसरे की ओर भगेंगे कि नहीं भगेंगे? लो और नॉर्थ कर देता हूं, देखो इधर नॉर्थ कर देता हूं इधर साउथ, अब ये रिपेल एक ही बात है, कुछ भी कर लो, बताना मैं इनको लेके आया, पास पास लेके आया, अपने आप तो आ ही नहीं सकते यार, ये अपने आप तो आ ही नहीं सकते, अब मैं लाया इन्हें, ठीक है, अब बताइए मेरे हाथ छोड़ने की देर है क्या होगा, नहीं अब मैंने पलट दी पोलैरिटी, टेबल पोलैरिटी पलट दी, तो बताइए मेरे हाथ छोड़ते क्या होगा, पर से भग जाएंगे, तो इसका मतलब अब बताइए क्या इस सिस्टम में एनर्जी जनरेट हो गई नहीं हो गई, क्या इस सिस्टम में जब तक मैंने पकड़ रखा है जब तक इसमें एनर्जी है या नहीं, बोलो है एनर्जी आ गई, क्या लगता है ये काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, ये हीट एनर्जी भी नहीं है, ऐसी ही एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इस समय जीरो तो नहीं है, क्या फॉर्मूला है वो बात की बात करेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी तो पहचानो कि कब हम वर्ड पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं। अब हर वो एनर्जी जो स्टोर फॉर्म में स्टोर हो चुकी, जब तक मैग्नेट पकड़ रखी है स्टोर है, छोड़ दोगे भग जाएगी, ठीक है। ऐसी सुनो पांचवा फिगर, मैग्नेट की बजाय दो चार्ज रख दीजिए, लोगों में बनाई देता हूं पांच, ये रहा प्लस क्यू वन, इससे इनफाइनाइट की दूरी पर प्लस क्यू टू, इनफाइनाइट की दूरी पर प्लस क्यू टू, तो इसमें कोई एनर्जी वेनर्जी नहीं है, हार ना, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इनमें एफर्ट करके पास पास लाऊंगा प्लस क्यू वन, अपने आप नहीं आ सकते ना ये,
तो अब इस सिस्टम में ऊपर वाले में कोई एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसमें कुछ तो होगी। तो कितने सारे मैंने एग्जांपल दिखा दिए पोटेंशियल एनर्जी के, ऐसी एनर्जी जो भरी पड़ी हो, बस उनकी फटने की बारी हो। अब हम इनको फिर नाम रखते हैं। नाम क्या रखते हैं बताइए? जब मैं इस ब्लॉक को उठा रहा था तो कौन सी फोर्स इन्वॉल्व थी जिसके अगेंस्ट मुझे उठाना पड़ा? मैं और भी कुछ फैक्ट बताऊंगा इसमें। बताइए, जब मैं इसे उठा रहा था तो किस फोर्स के अगेंस्ट उठा रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स के। किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो हमने इसका नाम क्या रखे? हमने इसका नाम रख दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो इसका नाम क्या रखा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस से जनरेट हो चुकी है। सुनिए, बताना, यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करो फ्री स्पेस में करूं जहां ग्रेविटी है ही नहीं, तो बताना क्या इसमें और इसमें अंतर आ जाएगा क्या फिर? मतलब क्या, सपोज करो जहां ग्रेविटी है ही नहीं, तो बताना क्या इसको ऊपर उठा के पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। फिर दोनों एक जैसी हो जाएंगे, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्ड इसलिए डाला है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के हम शुक्रगुजार हैं, थैंक्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो नहीं होती तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्योंकि आप एक बार वर्क कर दो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के लिए आएगा। तो हमने इसका नाम रख दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें इलास्टिक फोर्स इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व? बताना, इमेजिन करो मैं स्प्रिंग की बजाय गुथे हुए आटे को दबा दूं, वो वापस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी या इलास्टिक फोर्स है ही नहीं। तो अब बताइए, ये जो वापस भगने आ रहा है, हमें किसका थैंक्स बोलना चाहिए? किसको थैंक्स बोलना चाहिए? इलास्टिक फोर्स का। तो हमने इसका नाम भी रख दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसका नाम रख दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी इलास्टिक, ये भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी ने इसको मजबूर करेगी भागने की, चल भाग यहां से। तो हमने इसको भी क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कौन सी फोर्स को शुक्रगुजार करना चाहिए हमें बताओ? किस फोर्स को थैंक्स बोलना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल ठीक। तो हम इसे बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो फोर्स इन्वॉल्व होगी उसी के अकॉर्डिंग नाम रख देंगे। तो इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एक मजे की बात, मजे की बात कुछ और फैक्ट समझिए, फंडामेंटली समझिए। ये तो समझ गए कि जिसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हो, फड़फड़ा रही हो, छोड़ो मुझे वर्क करना है, हमने तो इसे पकड़ रखा है, तुम मुझे छोड़ो। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे छोड़ो मैं तुम्हें वर्क दूंगा। ये कौन कहती है? पोटेंशियल एनर्जी। सेम ईयर, छोड़ो मुझे मैं तुम्हें वर्क दूंगी पक्का, छोड़ो मुझे पक्का वर्क दूंगी। अब सुनिए, एनर्जी कमानी पड़ती है। आपको ध्यान है दुनिया की कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला दे दे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एनर्जी का खुद का तो कोई वजूद ही नहीं है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। दुनिया की कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दे दे, बस हमें यह देखना होता है कि हमने जो वर्क किया है वो किस फॉर्म की एनर्जी में वो अपीयर हो रहा है। अब सुनो, ये एनर्जी जादू से पोटेंशियल एनर्जी आ जा, जादू से नहीं आई, कमानी पड़ी। आपको ये ब्लॉक ऊपर उठाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पापा पैसे कमाते, कुछ खर्च हो जाते, कुछ स्टोर करते हैं ताकि बाद में काम आ जाए। तो बैंक में स्टोरेज तब होगी ना जब पापा काम करेंगे, घर में काम करेंगे कि हवा में पैसे आ जाएंगे, लॉटरी लग जाए, भगवान मेरी लॉटरी भी खरीदनी तो पड़ेगी ना, ये भगवान लॉटरी लगा दे मेरी, लॉटरी नहीं खरीद रहे। तो वही चीज, पोटेंशियल एनर्जी कमानी पड़ती है। आपको ये ब्लॉक उठाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, आपको ये स्प्रिंग दबानी पड़ेगी। जितना दबा लोगे, अच्छा जैसे धनुष है, थोड़ा सा खींचूंगा तो थोड़ी कमाई करी तो थोड़ा स्टोर होगा, ज्यादा कमाई करूंगा तो ज्यादा बैंक बैलेंस बनेगा, तो जितना वर्क कर लूंगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी में इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी कमानी पड़ेगी। लेकिन यहां पे एक चीज है और अच्छी बात कि जब जब मैं वर्क अगेंस्ट, ये बात ध्यान से सुनना, हर मास्टर नहीं बताएगा ये वाली बात, जब जब मैं वर्क अगेंस्ट, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मोस्टली बताते भी हैं, मैं भी तो कहीं से सीखा हूं नो डाउट, मुझे भी किसी ने बताया, लेकिन मोस्टली नहीं बताते इस बात को, जैसे हमारे मास्टर ने नहीं बताई थी।
हमने मेहनत की खुद से, ठीक है। देखिए तो हाँ, तो क्या है था? जब जब मैं वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स करूंगा, कंजर्वेटिव फोर्स, जब जब मैं वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करूंगा, तब तब आप पोटेंशियल एनर्जी कमा पाओगे। जब जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा, तभी आप पुटे, ठीक है, मैंने बता दिया। वर्क डन एनर्जी होता है ना, जो भी हम वर्क डन करते हैं वो एनर्जी ही, लेकिन आपका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में भी आ सकता है, आपका वर्क हीट एनर्जी के रूप में भी अवतार ले सकता है ना, आपके द्वारा किया गया वर्क किसी भी एनर्जी में अवतार ले सकता है। लेकिन एक मजे की बात, एक सलमान खान का वांटेड डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, यदि आपने वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया है तो कोई और नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही अवतार लेगी, जैसे दिखाता हूं। बताइए, जब आप इस ब्लॉक को उठा रहे थे, अब रैंडमली बीच में दिखा देता हूं, तो कौन सी फोर्स लग रही थी? mg नीचे, और आपको इसके अगेंस्ट उठाना पड़ेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, ext लिख दिया, ext माने एक्सटर्नल फोर्स। तो बताइए, कंजर्वेटिव mg कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं? मैंने उंगलियों पे गिनवाई थी, चार गिनवाई थी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलास्टिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। mg कंजर्वेटिव फोर्स है, आपने इसके अगेंस्ट, क्योंकि mg तो नीचे रहेगी, नीचे रहेगी और आपको उसके अगेंस्ट चलना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो mg नीचे चल रही है और आपको उसके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जितना भी वर्क करोगे, जितना भी, एक और ध्यान देना, मैं यहां पे बात सुन लेना, यदि ये 10 न्यूटन है मान लो नीचे, तो आप तो ऊपर 50 भी लगा सकते हो, आपकी क्या, आप तो वो भी ले सकते हो जेसीबी इसे उठाने के लिए। मेरी बात सुनना, मेरे सेंटेंस को समझना, मान लो mg की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, तो एक्सटर्नल फोर्स तो आप तो राजा महाराजाओं की तरह 50-50 भी लगा सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सुनना, नहीं, एग्जैक्टली इसके अगेंस्ट जो वर्क किया है, एग्जैक्टली जो किया है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। आपने यदि इसमें 11 न्यूटन लगा दी, इमेजिन करो, मान लो मैं कह रहा हूं 11 न्यूटन, तो इसको 10 प्लस 1 से एज्यूम करना, यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स, आपने तो 11 न्यूटन लगा दी, जबकि कंजर्वेटिव 10 है, तो 11 के दो टुकड़े कर दो, 10 तो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, बाकी किसी में भी जा सकता है। फिलहाल तो समझना मेरी बात, जैसे पापा जो कमाते हैं, मान लो पापा की इनकम 11 रुपए है, इमेजिन करो आज से, है नहीं, तो उसमें से जो बैंक में सेव कर लेंगे वो तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, बाकी आपकी खर्चा पानी में चला जाएगा जो भी है। तो यानी ध्यान रखना, तो मेरा सेंटेंस, जितना भी वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स करोगे, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वो ही पोटेंशियल एनर्जी का रूप में सेट हो पाता है, कमानी पड़ती है पोटेंशियल एनर्जी भी, और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। अब देखो बड़ा कमाल की बात है, कंजर्वेटिव फोर्स इसे भी देख लो, बताना, जब मैं इसे दबा रहा था मुझे ऐसे दबाना पड़ेगा, बताइए, तो मेरी राह आसान रहने वाली है क्या दबाने की, ये बताओ, क्या इजी रहने वाला है मेरे लिए, इतनी सीधी दिख रही है तुम्हें स्प्रिंग, तो पता है क्या करेगी, जब मैं दबा रहा हूंगा तो स्प्रिंग मुझे उल्टा ऐसे जर्क मारेगी, इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जब स्प्रिंग आएगी तो डिटेल में बता दूंगा, जब स्प्रिंग आएगी तो स्प्रिंग है आपके सिलेबस में, तो मुझे ये वाली फोर्स लग रही होगी, ये रीस्टोरिंग फोर्स, ये वाली जो फोर्स, इसको एफ इलास्टिक फोर्स बोल देता हूं फिलहाल, चलो आपके लिए इलास्टिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव। अब बताओ इलास्टिक फोर्स इधर लग रही है, आप उसके अगेंस्ट ही तो चुल्ल कर रहे हो, आप बताइए, mg नीचे लग रही थी आपको, ऊपर ले जाने, मैंने कहा ना आपको कमानी पड़ेगी, और कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो जब जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे आपके मजे आ जाएंगे, वो वर्क बिल्कुल कंजर्व हो जाएगा, सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही बताना, धनुष खींच रहे हो जब, तो आप नीचे फोर्स लगाओगे और ये तार ऊपर फोर्स मार रहा होगा, सेम बताना, रिपल्सन इधर लग रहा होगा और आप ऐसे ला रहे हो, समझ में आ गया इतनी बात। जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। हालांकि सही करूं तो यू नहीं लिखते, डेल्टा यू लिखते, ये सही है, डेल्टा यू का मतलब आप उसकी यू को इंप्रूव कर दोगे, चेंज कर दोगे, हो सकता है उसमें यू पहले से ही हो। एक बात बताओ, यदि किसी चाय का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसे और गर्म कर दिया तो और हो गया उसके हीट एनर्जी, मेरी बात समझना, चाय गर्म है या दूध गर्म है, आपने और उसको पतीले को उसमें रख दिया, आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो आपने उसकी हीट एनर्जी और बढ़ा दी, तो हो सकता है उसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी हो। आप इसको इस सिनेरियो से समझो, इस वाले एग्जांपल में मैंने ब्लॉक को यहां से यहां उठाया है, यदि ब्लॉक यहां होता और यहां उठाना पड़ता, बताइए, तो अब ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, लेकिन आपके वर्क डन ने क्या कर दिया,
आपने यदि ब्लॉक को यहां से, तो यानी आपके यहां पे बैंक बैलेंस कितना है? जीरो। लेकिन अब आपने कमाई करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, यहां पहले से भी बैंक बैलेंस है, आपने कमाई करके उसे और बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहां पहले से बैंक बैलेंस है, कमाई कर दी तो और बढ़ गया वो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये आई नहीं आई कि जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तभी वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगा। और यदि आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, कौन सी वाली? नॉन कंजर्वेटिव। जितनी भी फ्रिक्शन, जितनी भी रेजिस्टिव फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है, वो ज्यादा किसी और में चली जाएंगी, वो नहीं स्टोर हो पाती, वो नहीं स्टोर हो पाती। डेल्टा यू दोबारा बताऊं? ओहो दोबारा बेटा, इसको एज अ थ्योरम समझिए, इसको फंडामेंटली जो मैं सिखा रहा हूं, जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं ना तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है, डेल्टा माने चेंज। मैंने इसको ऐसे समझाया, आप इस एग्जांपल को देखो, इसमें ब्लॉक को कहां से उठाया है? जमीन से ऊपर तक। जब जमीन में रखा होता है तो उसमें कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ऊपर उठा लोगे तो कुछ हो जाएगी, ठीक है? आपको यहां से यहां ले जाने के लिए वर्क करना पड़ा तभी तो ऊपर उठा वो, यहां से यहां उठाने के लिए तभी वर्क करना पड़ा तभी तो वो उठा। तो आपने जो वर्क किया पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो गया। ऐसे यदि ब्लॉक ऑलरेडी इनिशियली यहां रखा है, इनिशियली यहां रखा है और आपने वर्क एंटर कर दिया, वर्क इन्फ्यूज कर दिया, मतलब डाल दिया उसमें, तो वर्क करोगे तभी तो उठेगा। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी U1 से U2 हो गई? नहीं हो गई, कुछ थी कुछ और हो गई, कुछ थी कुछ और हो गई। यानी वर्क करोगे तभी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी का बैलेंस बढ़ जाएगा। वर्क डालते जाओगे तो जितना वर्क डालते जाओगे अगेंस्ट, ध्यान रखना अगेंस्ट। यदि तुमने इसे मौका दे दिया, अच्छा सुनो इस वाले फिगर को गहराई से देखना, ये वाला जो बंदा है इस फिगर में, यदि आपने इसको मौका दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, और यदि आपने ये हटा दी तो ये तो केवल ये रह जाएगी, ये साला तुम्हारी कमाई को खराब कर देगा। ये वो हालात है, यदि केवल यही रह गई तो आपके बैंक बैलेंस को जीरो ही ले आएगा। देखो चेक करो, यानी पापा कमाएंगे बेटा खर्च करेगा, ऐसे मान लो। ये कमाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे, जितना भी अगेंस्ट करोगे वो ही केवल पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले पाता है। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी की एक समरी लेते हैं ना, एक समरी लेते हैं, इन्हें मिटा देता हूं क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ने, ये तो हम 12। अच्छा खिलौने में चाबी भर देते, सुनना, खिलौने में चाबी भर दिया और छोड़ दिया, वो भालू बजा रहा है, टन 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 टन, बच्चा घुस रहा है, कौन सी एनर्जी है? ये तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब मैंने चाबी भरी उसके बाद अभी छोड़ा नहीं है, जमीन पर रखने से पहले तक, वो कौन सी एनर्जी है बताओ? चाबी भरी जमीन पर, एकदम से थोड़ी नहीं छोड़ते, बच्चे को उठाने के लिए जमीन पर लाके छोड़ते हो। हाँ वो पोटेंशियल एनर्जी है, आपने उसको चार्ज कर दिया। ये पता है इन्वर्टर वाला, इन्वर्टर बैटरी सिस्टम, बैटरी दुनिया की जितनी भी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्टोर है या नहीं एनर्जी, बस उसका नाम बदल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम मिल जाएगा उसको? आपके मोबाइल में जो बैटरी आप चार्ज करते हो गया चार्ज, अब उसके बाद उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी पड़ी है, जब तक वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं होगी जब तक आपका फोन चलता रहेगा, जब तक पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं होगी आपके फोन को चलाता रहेगा। ये सारी जहां तुम्हें लगे कि यार ये तो स्टोर हो गई, वो ध्यान रखना कोई और नहीं, नाम ही उसका पोटेंशियल। क्लियर करता हूं इस कॉन्सेप्ट को, क्लियर कर रहा हूं है ना, समरी दे रहा हूं क्लियर? तो बेटा मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, वो ये कि पहली बात पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन द एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी और सिस्टम, सिस्टम माने दो बॉडी भी हो सकती है, जैसे दो मैग्नेट वाला एग्जाम्पल था, तो वो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस मैग्नेट में नहीं आई, दोनों में आई, दोनों ही भागेंगी, यदि मैं हाथ छोड़ूंगा तो दोनों ही भागेंगी पीछे। तो इट इज अ एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। देखा आपने, मात्र पोजीशन चेंज करते या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते एनर्जी बन जाती, कभी कभी हर बार नहीं बनेगी, क्योंकि यदि मैं इस ब्लॉक को, प्लीज एक बार समझना, इसको खिसका के यहां रख दूं, इसको खिसका के यहां रख दूं, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे था और आप इधर कर रहे हो, आपको उसके अगेंस्ट करना है काम। तो इसलिए यदि मैं इसको इधर खिसकाऊंगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, कोई। बताइए यदि मैं इसको यहां से यहां खिसका दूं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, स्टोर हुई? नहीं हुई ना। इधर खिसकाने में क्यों? क्योंकि एक मिनट,
आपने जब इधर खिसकाओगे तो mg तो इधर लग रहा है और फोर्स आप इधर लगा रहे हो, इसे थोड़ी नहीं बोलते अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब जिधर आपकी कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है उसके जस्ट अपोजिट लगाइए। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई कि कभी हमारे फिजिक्स में इतने कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के, कभी पास लाने पर, उठाने पर, पोजीशन चेंज करने पर एनर्जी आ जाती है, और ऐसी एनर्जी को नाम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात, ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे स्टोर वर्ड यूज करोगे, ये वर्ड किसी और एनर्जी में यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये वर्ड केवल इसकी सगाई हो चुकी, शादी हो चुकी है परमानेंट, ब्रेकअप और नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी की सेटिंग हो चुकी है स्टोर के साथ, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, द ओनली एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जब भी रिलीज करोगे काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पर रिवर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ये सही है, ये कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरीली ट्रू नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी को अपनी वसीयत देके जाती है, मेरी दौलत सारी तेरे नाम है, अपनी सारी दौलत संपत्ति इस पे लुटा देगी, लेकिन ये नहीं लुटाती, जरूरी नहीं है। चौथी बात, जब जब हम वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव करेंगे, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे, तभी पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं, वरना कोई मतलब तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा पाते हैं। ये फैक्ट्स समझ में आ गए, ठीक है ना, ध्यान रखना। और बाकी वर्क डन का फॉर्मूला तो आप जानते हो, बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। जो असली फॉर्मूला है वो ये होता है, जो भी फोर्स इन्वॉल्व हो वो ये वाला, ये इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। और यदि फोर्स कॉन्स्टेंट हो वो तो आपको पता ही है, जो कॉन्स्टेंट फोर्स हो तो क्या लगता है, बोलो ये पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर समझ में आया, जल्दी बोलो पोटेंशियल एनर्जी, आज के बाद अब तो नहीं बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच एमजीएच एमजीएच, असली पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच नहीं बोलना, ठीक है। बहुत सारे और एक और पोटेंशियल एनर्जी का एक और राज की बात बताऊं, एक और राज की बात बताता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन उसको ना वक्त आने पे यूज करेंगे अभी, ठीक है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक, जैसे ये सपोज करो ये ब्लॉक है, यहां जमीन पे पड़ा है, और आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी नाम दे दिया कि सर इसकी जीरो है, क्या नाम दिया, जीरो है, और ऊपर उठा लिया, है ना, ऊपर उठा लिया आप इसमें कुछ, ये वाला फॉर्मूला तो आप जानती हो एमजीएच, मान लो वो सब कैलकुलेट करके आ रहा है 10 जूल, कितना आ रहा है 10 जूल, मान लो आपने, तो बताइए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जब ब्लॉक यहां था इस पोजीशन पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो, और जब ऊपर उठा दिया तो 10 जूल हो गई। पता है पोटेंशियल एनर्जी में एक छूट और क्या है, पर इस ऑफर का यूज आप कॉम्पिटिशन लेवल पे या कुछ हैवी सवालों में जरूरत पड़ेगी, नहीं तो अभी सीधी रास्ते ही चलेंगे जो मैं बता रहा हूं। मान लो यही सिचुएशन है, रामलाल ने इस सिचुएशन को ऐसे दिया नाम कि ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है और ये 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, ये रामलाल का अपना तरीका था। अब श्यामलाल इसी फिगर को ऐसे अनाउंस कर सकता है कि इस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ध्यान रखना वो भी सही बोल रहा है, श्यामलाल इसी फिगर को ऐसे बोल रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और ये वाली -10 जूल है, -10 जूल, रामलाल श्यामलाल दोनों सही है, हो सकता है ये अभी ऊपर से जाए आपके, लेकिन ये ऑफर, ये छूट केवल पोटेंशियल एनर्जी में, दुनिया की किसी एनर्जी में ये छूट नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में एक लेवल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आप इसे जीरो बोल दो तो आप इसे 10 बोल सकते हो, लेकिन श्यामलाल इसको ऐसे बोलता है कि नहीं मैं इसे जीरो बोलूंगा तो फिर वो इसे -10 बोलेगा। बताइए इस फिगर में U2 - U1 कितना है, बताइए U2 - U1 कितना है इस फिगर में, 10 जूल। नहीं नहीं एक मिनट, पहले ये बताओ इस वाले फिगर में U2 - U1 करूंगे, इस वाले फिगर में कितना आया, वो 10 जूल आ रहा है, और इस वाले फिगर में U2 - U1 कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है U2, इसमें भी 10 जूल। यानी ये शर्त दोनों के लिए, एक्चुअली धीमे धीमे आपको लेवल बढ़ाऊंगा आज, नहीं नहीं 10 जूल ही आ रहा है शिवेश, U2 - U1 करेगा तो दोनों फिगर में एक समानता है कि ये वाली एनर्जी इससे 10 जूल ज्यादा है, ये वाली एनर्जी इससे 10 जूल ज्यादा है, और ये वाली एनर्जी इससे अभी भी 10 जूल ज्यादा है, ज्यादा वही है, ध्यान रखना ज्यादा वही है। और अभी देखो, और देखो अभी रुको, ऐसे भी बोल सकता है कोई कि नहीं मैं तो इसे जीरो बोलूंगा, वो कह रहा है नहीं मैं तो इस बीच वाली पोजीशन को जीरो, तो पता है उस चमनलाल को ये बोलना पड़ेगा कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी +5 जूल है और ये वाली एनर्जी -5 जूल है। अब बताइए इन
इसमें से ऐसे घटाओ कितना आएगा आंसर, 10। यानी धीमे धीमे आपको पता चलेगा कि यू का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना डेल्टा यू का होता है। यहां डेल्टा यू वही रहनी चाहिए, इन तीनों में डेल्टा यू वही है। लेकिन यदि ये टॉपिक ऊपर से बाउंस गया है तो जाने देना, क्योंकि एक दिन में मैं मानता हूं सारी चीजें नहीं क्लिक हो पाएंगी। आज तो आपके लिए पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी नई नवेली रही थी। अब घर में नई नई बहू आती है तो सारे करेक्टर सामने थोड़ी नहीं आते, उसके लड़ाई दंगे तो बाद में होते हैं ना, शुरुआत में तो सब अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है, असली रंग तो बाद में पता चलते हैं। तो आप पहले दिन बहू को सारी चीज जानने की कोशिश मत करो, ठीक है, अभी जितना समझ में आ गया उतना लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी जरूरत है नहीं हमें। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहली पोटेंशियल एनर्जी की जिसको हमें पढ़ना है। हेडिंग है हमारी ग्रेविटेशनल। देखो ये अभी हमें 40 मिनट हो गए, ये 40 मिनट खर्च हो गए हमारे, मेरे अंदर बस यही लालच था। रिवर्स वाला मैंने तुझसे कहा था, रिवर्स नेसेसरीली ट्रू नहीं है, लेकिन जैसे जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है, ठीक है, एक सामने एक स्टूडेंट है वो ये पूछ रहा है सर एक एग्जांपल ऐसा बता दो जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही हो। जैसे ये चौक है, यदि मैं इसको काइनेटिक एनर्जी दूं और ऊपर उछाल दूं, अब अल्ट्रा स्लो मोशन में, मेरे पास तो नहीं है भैया स्लो मोशन कैमरा, तो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जा रही है चौक किस में कन्वर्ट हो रही है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगी। अब की बार काइनेटिक एनर्जी ने अपनी सारी वसीयत पोटेंशियल को दे दी है, ले तू रख ले। कुछ एग्जांपल हैं ऐसे जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी अपनी सारी वसीयत पोटेंशियल को दे जाएगी, लेकिन यदि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो अपनी सारी वसीयत काइनेटिक को ही देती है, ठीक है। आइए तो हमारे सिलेबस में पहली पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। हाइट ऐड होते ही उसमें जो एनर्जी ऐड हो जाती है, हाइट के बढ़ते ही जो ऐड हो रही है वही पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब ये फॉर्मूला कहां से आया एमजीएच? आपको जो एमजीएच याद है वो यही वाला याद है, लेकिन हम 11 में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये फॉर्मूला कोई आकाशवाणी तो ही नहीं होगी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच होता है, नोट कर लो। तो उस समय कंस ने सुन लिया होगा, है ना, कंस ने, और उसको एक जेल में बंद कर दिया फॉर्मूले को एमजीएच। नहीं तो देखिए जो टेक्निक बताइए, ये रहा ब्लॉक, यहां पे सिस्टम रखा हुआ है, बताइए कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस समय इसकी, जल्दी बोलो कितनी है। कोई ब्लॉक यहां रखा हुआ है, इस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ग्रेविटेशनल हाइट ही नहीं है इसमें, जीरो, ठीक है। अब यदि मैं इसे उठाऊंगा तो हम एक्टिंग करेंगे कि हमें नहीं पता कितनी है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। ये लोकेशन ए, ये लोकेशन बी, इसे मान लो मैंने एच हाइट ऊपर उठाया है, ध्यान रखना शब्दों पे ध्यान देना, ऊपर उठाया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये फॉर्मूला हमें ढूंढना है, क्योंकि अब जीरो तो नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कितनी है? तो जब मैं, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है ना, जब जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा, देखो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फलाना एनर्जी सबका एक ही फॉर्मूला है, वर्क के पास भीख मांगने जाते हैं फॉर्मूला दे दे। तो यहां पर हमारे पास एक फिजिक्स हाथ में लग चुकी है कि यू का तो नहीं पर डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है वर्क डन। लेकिन ध्यान रखना कौन सा वर्क डन, कौन सा वर्क डन? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो बताना जब मैं इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहा था तो कंजर्वेटिव फोर्स जो एमजी थी वो नीचे लग रही थी, एमजी नीचे लग रही थी। अब मुझे ऊपर उठाने के लिए इधर फोर्स लगानी पड़ेगी, एफ एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? और मैं अभी थोड़े देर पहले इसका एक बेसिक प्रिंसिपल बताया था, तुम उठाने को तो इसे बुलडोजर से उठा सकते हो, इसे तो बुलडोजर से उठा सकते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में बताइए ये फोर्स एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? जितनी ये है, जितनी ये है उतनी लगानी है आपको, मतलब सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं करना है हमें, ये भी वर्ड बिना एक्सेलरेशन के ले जाना है। मैंने आपसे बोला कि यदि ये ध्यान करो अभी बताया था, यदि ये 10 न्यूटन है तो लगाने को तो आप बुलडोजर से उठा के 50 न्यूटन लगा लोगे, लेकिन इस 50 न्यूटन को ऐसे तोड़ दो 10 + 40, तो केवल ये वाला जो है जो आपने इसके अगेंस्ट किया है, जो आपने इसके अगेंस्ट किया है। अब एक बात बताओ, जैसे नौकरी करते हैं ना
तो जितना काम आपको जितनी सैलरी डिसाइड होती है उतनी मिलती है। अब तुम साला एक्स्ट्रा कितना भी कर लो, मालिक नहीं बढ़ाता पगार। यहाँ ये वो चक्कर नहीं है कि इंसेंटिव मिल जाएगा कि वो मिल जाएगा, मतलब आप ऐसे मान लो बनिए की नौकरी होती है, जितनी सैलरी डिसाइडेड है अब तुम कितना भी एक्स्ट्रा कर लो, तो यानी सिर्फ ये, तो मेरी बात समझ रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में 50 को नहीं लेंगे केवल 10 को लेंगे। इसके बदले तुमने जो किया है, इसको कैंसिल करने के लिए जो लिया है, तो सुनिए, तो क्योंकि हमें पता है डेल्टा वर्क इक्वल टू डेल्टा यू, आइए वर्क कैलकुलेट करते हैं, है ना, इस सिचुएशन का। लेकिन मैंने पूरा नहीं लिखा है, बोल तो पूरा रहा हूं, ये कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। फिलहाल ये वाला फॉर्मूले से काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा बोलो, एफ एक्सटर्नल एस कॉस थीटा, बताओ ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा या नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है इसलिए चल जाएगा कांस्टेंट। अब मुझे बस इस पूरे डेरिवेशन में सीरियसली एक ही चीज समझने की है, बताइए एफ एक्सटर्नल कितना डालना है मुझे। चलो डिस्प्लेसमेंट तो एच डाल दूंगा, डिस्प्लेसमेंट तो एच डाल दूंगा क्योंकि ए से भी उठाया है, कॉस जीरो डाल दूंगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। हाँ बेटा शुभम देव बिल्कुल ठीक, बताइए एक्सटर्नल फोर्स कितनी डालनी है मुझे। देव बिल्कुल ठीक, सुरेश ठीक, हर्ष ठीक, भूमिका ठीक, वेरी गुड, और भी लोगों से चाहूंगा जवाब। भूमिका ठीक, यहां एक्सटर्नल कितना डालना है दिया, वेरी गुड, एमजी डालना है, क्योंकि मैं बार बार यही तो बता रहा हूं, ये मत सोचना मैंने एमजी ये डाला है, मैंने ये डाला है क्योंकि डेफिनेशन मुझसे ये कह गई है कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो मैं करूंगा वो ही पोटेंशियल एनर्जी में ही जा पाता है। तो यदि ये एमजी है तो आपको उतनी लगाओगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर्पस, आप इसे चाहे बुलडोजर से उठाओ चाहे किसी से भी, लेकिन सारी फोर्स नहीं, जितनी आपने उसके अगेंस्ट लगाइए बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एमजी। तो अब बताओ आ गया फॉर्मूला बेटा, देखो कॉस जीरो की वैल्यू वन। फिजिक्स में यदि आपके फंडामेंटल ठीक है ना, सीरियसली बोल रहा हूं फंडामेंटल ठीक है, तो फिजिक्स दिक्कत नहीं रहेगी। व्हाई नॉट नेगेटिव एमजी, क्यों भाई नेगेटिव एमजी क्यों आएगा, एफ है। ओहो शायद बेटा एक नया स्टूडेंट प्रबल है, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला है ना, और इसको जब हम ऐसे खोलते हैं तो ये फिजिक्स होती है बेटा वर्क की। हम ऐसे लिख देते हैं चलता है, ये भी चलता है, लेकिन आप शायद आपको ये नहीं पता कि इसको ये होता है एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड दुनिया में किसी वेक्टर का नेगेटिव होता ही नहीं है, दुनिया में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। ओके तो इसे मैग्नीट्यूड तो एमजी है, मैग्नीट्यूड तो एच ही है, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो है। तो ये वर्क डन, ध्यान रखना, देखा आपने वर्क डन का फॉर्मूला एमजी एच है। आप यदि फ्लैशबैक में जाइए एक दो क्लास पीछे, वो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ एमवी स्क्वायर था, बाद में कहा था चल ले तू फॉर्मूला ये रख ले फॉर्मूला दे दे। काइनेटिक एनर्जी से पहले वो वर्क का फॉर्मूला था, तो देखो पोटेंशियल से पहले ये वर्क का फॉर्मूला एमजी एच। अब इस वर्क को यहां रख दू, सिंस वर्क इक्वल टू डेल्टा यू, तो इस वर्क की जगह तो एमजी एच लिख दू, इस डेल्टा यू की जगह यू टू माइनस यू वन लिख दू। यू वन इस सिनेरियो में कितना है देख के बताओ, इस पिक्चर में यू वन कितना है, यू वन जीरो है, तो एमजी एच इक्वल टू कितना आ गया यू टू माइनस जीरो, तो यू टू आ गया एमजी एच। यू टू का मतलब इस पोजीशन की एनर्जी, एच हाइट की पोजीशन पे एनर्जी। तो देखा ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, फॉर्मूला दे दे वर्क से ही होते हैं। ये था बेटा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एमजीएच। ओके अच्छा कुछ दिनों बाद आपका जब रिदम अच्छा हो जाएगा ना, आपका जब रिदम अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे आपको 6 चौक 24 की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो वैसे ही जब आपको लगेगा यार इनिशियली जीरो है, तब आप डायरेक्ट ना ये लिखना स्मार्ट हो जाओगे W इक्वल टू, आप अपने आप स्मार्ट हो जाओगे कि W इक्वल टू डेल्टा U कब लिखना है और W इक्वल टू U लिख के कहानी खत्म करो, क्योंकि यार इसमें U1 है ही नहीं ना, इस सिनेरियो में U1 है ही नहीं, लेकिन चलो ये भसड़ हो रही है तो कोई बात नहीं, आप अभी ऐसे ही सीक्वेंस को पकड़ो बस, वो तो जब होगा ना जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। अब आ जाइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट और बता के, या छोड़ो बेटा आज आपने बहुत एनर्जी खर्च कर दी, ठीक है आज के लिए इतना ही, कोई बात नहीं, कल सुबह 9:30 बजे क्लास है, कल सुबह बात करते हैं, ठीक है कल थोड़ा सा लंबा खींच लूंगा मैं, नहीं ओह आप फिर से पोटेंशियल एनर्जी को ढंग से देख लेना, है ना। हाँ शुभ रात्रि बेटा, जय श्री राम, बाय बेटा।